गरियाबंद जिले के राजिम ब्लॉक के तर्रा गांव में ग्रामीणों ने चंदे के पैसे सड़क बनाकर सिस्टम को ही सड़क पर ला दिया है। बताया जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर की पीडीवीएम सड़क बनाने में ग्रामीणों को 8 लाख का खर्च आया है। तर्रा के ग्रामीण गांव से नेशनल हाईवे 130 सी को जोड़ने वाली सड़क के मांग वर्षों से करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे सीएम से लेकर मंत्री व विधायक तक गुहार लगा चुके हैं, साथ ही मांग के अनसुनी किए जाने पर ग्रामीण नेशनल हाईवे में जाम कर चुके हैं। बारिश में कीचड़ से लथपथ सड़क से परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार चंदा कर सड़क को बना दिया है, तब जाकर प्रशासन ने 6 लाख की मंजूरी दी। प्रशासन की उदासीन रवैये से नाराज ग्रामीणों ने अब स्वीकृत 6 लाख को वापस करने का फैसला लिया है। विशेष प्रमुख मांग है कि हमारे जो नेशनल हाईवे 130 से लगा है, जो बस्ती से लगा है, मुख्य मार्ग है, इसके लिए हमें पूर्व 3 महीने पूर्व पूरे समस्त ग्रामवासी चक्का जाम किए थे, जिसमें डामरीगंज एक ही मांग था जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। शासन प्रशासन ने समय दिया था कि 3 महीने के बाद हम करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। इस कारण वो रोड लगा, खेती से लगा, सभी किसान लोग पूरा गाँव के बस्ती के पैसे से लगा कर चंदा करके उस रोड को चलने लायक बनाए हैं, और इसी के तहत वो रोड चलने लायक बना है, और इसी को देखते हुए विधायक जी के संज्ञान में गया है। और शासन प्रशासन तो 6 लाख दिए हैं, तो वो हम लोग को 6 लाख रुपया नहीं चाहिए, हम लोग को पक्की सड़क चाहिए। शासन लोगों को जो मूलभूत सुविधा देना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आने जाने का रास्ता भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारी गाँव की आबादी 5,000 से ज़्यादा की है, उसके बावजूद भी हमारी ग्रामवासियों को एक पहुंच मार्ग नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारे ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। और लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से इस संबंध में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हुई है, और 20 साल से हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक किसानों ने अपनी कीमती जमीन दान दे करके सड़क बनाने का जो एक विचार व्यक्त किया है और लिखित में स्टाम्प में लिख करके हम सब किसान भाइयों ने दिया है, उसके बावजूद भी हमारी समस्याओं को शासन और हमारे जनप्रतिनिधि गंभीरता से नहीं ले रहा है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।